मेरे भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड 15 में मैंने बताया था कि मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर लंकापति रावण के पास ले गया। हनुमान जी को देखकर रावण ने दुर्वचन कहे। उनको सुनकर हनुमान जी रावण को क्या शिक्षा देते हैं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाल सुन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसि बेहरावा। हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायौ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधि कई लाजा, कीनि चाहौ निज प्रभु कर काजा। अब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध दिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहु जोरी कर रावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तज भजऊ भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चरा चर खाई, तासो बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हनुमान जी कहते हैं, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं, अब अपराध बिसारी। अर्थात खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहू, लंका अचल राज तुम करहू, ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। अर्थात राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर
विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर तिन नाही, बरस गए पुनि तवहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की।